बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि ऐसे अश्लील गाने अगर किसी गायक द्वारा गाए जाएं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो। कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई की भी गई है। जिस गाने की आप बात कर रहे हैं वो गाना है मौका जुग के हई दीवाना, पहले ही बोल रहा है जब नए जमाने के दीवाने हैं। नौका जुग के हई दीवाना, का करी कोर्ट कचहरी थाना, बाचे पैबू नहीं अखिया के चोट से तोहर लांगा उठा दे उड़ी में। जहाँ तक सेंसर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। सेंसर के बारे में मेरी बातचीत चल रही है, गैर अच्छी एक्टिंग की कोई सुपरस्टार। सर अश्लीलता की बात होती है जहाँ पे आप तीन बार विधायक रहे हैं, तीन बार चीजों को देखे हैं, लेकिन आज तक सेंसर बोर्ड नहीं रहा है, एल्बम्स के ऊपर कहीं नहीं लगा है, फिल्मों में तो एक हद तक पैमाना है, कोशिश लोग करता है और सेंसर बोर्ड के द्वारा पास भी होता है, लेकिन लगातार एल्बम को लेकर के सारी चीजें बिगड़ जाती है, भोजपुरी कहीं ना कहीं बदनाम होती नजर आती है, लेकिन उस पर आपकी क्या राय है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी जल्दी होनी चाहिए और आप सक्रिय रहते हैं तो इस पर आप एक्शन क्यों नहीं ले पाते? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा जवाब दूंगा। भोजपुरी में आई अश्लीलता को लेकर के सदन में एक बार दर्जनों बार बहस हुई, बातें हुई और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि ऐसे अश्लील गाने अगर किसी गायक द्वारा गाए जाएं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो। कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई की भी गई है। जहां तक सेंसर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। सेंसर के बारे में मेरी बातचीत चल रही है और भी हमारे विधायक हैं जो बातचीत कर रहे हैं, हमारे सांसद हैं भाई मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ये लोग भी प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि वो समय आएगा कि शीघ्र एक सेंसर बोर्ड की स्थापना होगी। अब वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या बिहार उत्तर प्रदेश का संयुक्त हो, मुझे लगता है कि आने वाले साल में, इस साल तो नहीं संभव है, आने वाले साल में भोजपुरी को अष्टम सूची में दर्जा भी मिलेगा और अष्टम सूची में दर्जा जैसे मिल जाएगा भारतीय भाषाओं की सूची में हमारी भोजपुरी जैसे शामिल हो जाएगी, हम सेंसर के लिए तैयार हो जाएंगे और बिहार में भोजपुरी क्या और भी अन्य जो भाषाएं हैं, हमारी मगही है, मैथिली है, अंगिका है, बजिका है, नागपुरी है, ये सब भाषाओं इन सभी भाषाओं की सेंसरशिप कराई जाएगी। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इसमें पहल जब शुरू हो गई है तो ये बात आगे तक जाएगी। सर अश्लीलता विरोधी रोकने का बात जरूर करते हैं, लेकिन जब आप सामने आते हैं अश्लीलता विरोधी बात करते हैं तो आप ही का एक गाना है जिसको लेकर के लोग आपको ट्रोल करते हुए नजर आता है और आपको भी मालूम है वो गाना कौन सा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके लिए क्या आपकी प्रक्रिया होगी, क्योंकि जब आप भोजपुरी की बात करते हैं, अश्लीलता की बात करते हैं तो लोग वही गाना लेके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। मैं साहित्यकार नहीं, मैं सिनेमा का सॉन्ग राइटर हूँ और कोई भी गीतकार जब स्क्रिप्ट के हिसाब से गाना लिखेगा तो इस तरह के गाने आते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जब कोई राइटर 20,000 से ज्यादा गाना लिख चुका हो और उसके 4-5 गानों को लेकर के अगर कोई बात करता है तो पहले उन गीतों के साथ मेरे साथ बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने किस भाव से लिखा, आपने उसको किस भाव में लिया। सिनेमा साहित्य अलग है और हिंदी साहित्य अलग है। हमें हमारी फिल्मों में अगर मेरा करेक्टर गुंडा है तो क्या गाएगा? जिस गाने की आप बात कर रहे हैं वो गाना है मौका जुग के हई दीवाना, पहले ही बोल रहा है जब नए जमाने के दीवाने हैं। नौका जुग के हई दीवाना, का करी कोर्ट कचहरी थाना, बाचे पैबू नहीं अखिया के चोट से तोहर लांगा उठा दे उड़ी में। अब ये गाना गा कौन रहा है, फिल्म में हीरो का कैरेक्टर क्या है? फिल्म में हीरो का कैरेक्टर है गुंडा मवाली, तो गुंडा मवाली राधे राधे तो गाएगा नहीं, तो हमारी मजबूरी है। अब इस पर कोई बात करता है
और 8000 से ऊपर भजन में लिखा। ऐसा कोई त्योहार नहीं कि बिना विनय बिहारी के गीतों के त्योहार संपन्न, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता, करना चाहिए। मेरे कितने अश्लील गाने, और जो गाने अश्लील हैं उनको आप अश्लील नहीं कह सकते। अश्लील आज का गाना जो सिंगल मीनिंग है, सीधा सीधा औरतों का अंग ले करके गाने बोल रहे हैं, जो सीधा और किसी औरत के अंग को ले करके उस अंग के नुमाइश कराने का गाना बनाए, ऐसे गानों को रोक तो लगनी चाहिए। सिनेमा में आओ, सिनेमा के सिर्फ के हिसाब से बहुत लोगों ने लिखा। अब अमिताभ बच्चन गा रहे, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पर लिटा दो गद्दे का क्या काम है, कौन सा अच्छा गाना। अब इसको अच्छा समझो तो अच्छा है, बुरा समझो तो बुरा है। बोल मेरा ताला वो चाबी वाला, ये भी तो गाना है। लेकिन गानों की गहराई में जाइए, स्क्रिप्ट के हिसाब से कभी कभी कोई कोई गाना लिखना पड़ता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैं गंगा जल में नहाया, दूध का धुला, भगवान भोलेनाथ का असीम भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई राइटर नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं। मैं तो कहता कि भाई जहाँ 20,000 गाने मैं लिख चुका हूँ, 700 फिल्में लिख चुका हूँ, मेरे अच्छे गानों का जिक्र करो। एक दो गाने प्रोड्यूसर के दबाव में, स्क्रिप्ट के दबाव में, कथानक के दबाव में अगर आदमी लिखता है तो उस गानों को अश्लील नहीं कहा जाता है। आप फिल्म के साथ देखिए, अगर फिल्म के साथ अगर वो गाना अश्लील लगता है तो ये आरोप अच्छा है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कोई गाना मेरा अश्लील है तो जरूर जब मैं फिल्मों में था, बम्बई था, सामाजिक जीवन में नहीं आया था, व्यवसायिक जीवन में था, मैंने लिखे। लेकिन जब से मैं विधायक हुआ हूँ मैं गाने कम कर दिया, वैसे सिंगरों का गाना लिखना बंद कर दिया, जिनके तरफ से आता था कि जरा मुझे डबल मीनिंग के गाने लिख दीजिए, सिंगल मीनिंग ना। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैं पहला भोजपुरिया हूँ जो विधायक है, हमारे बाद मनोज तिवारी आए, हमारे बाद रवि किशन जी आए, हमारे बाद कोई आएगा, और वो लोग दल से आए, मैं तो निर्दल आया हूँ। तो बहुत कुछ कह सकते हैं, कहना अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लोग कहेगा अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, मैं वैसी बात नहीं। मेरा है कि जो भी हमारे मित्र राइटर लिख रहे हैं उसे मेरा अनुरोध है कि भोजपुरी की जो सुगंध है उस सुगंध को बरकरार रखते हुए आगे गाने आए। मैं तो सजग होकर लिखता हूँ, इसलिए मैंने थैंक्स बोला कि हम जो अभी फिल्म कर रहे हैं उस फिल्म में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं रितेश जी, अमित जी, रितेश जी, डायरेक्टर जो है राजीव जी, उन्होंने कहा भैया आप डायलॉग लिख रहे हैं, कोई डबल मिली का डायलॉग नहीं लिखना है, कोई अश्लील गाना नहीं लिखना है। मैं बोला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जो मैं चाहता हूँ आप बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर जब से मैं विधायक बना हूँ कोई भी फिल्म, मेरी फिल्म हीरो जो कोई भी मेरी फिल्म उठाई और उसमें देखिए भोजपुरी में क्या साहित्य मैंने दिया है और क्या मैं लिख रहा हूँ। बाकी जब आदमी चलता है, बहुत काम करता है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती है, अब किस दबाव में हुई कैसे हुई, लेकिन जानबूझ करके चर्चा में बने रहने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए मैं ऐसे गानों की रचना लेता हूँ।